गुड मॉर्निंग सर। सर गर्मियों में जॉन्डिस बहुत होता है। जॉन्डिस होता क्या प्लीज हमें बताइए। देखिए, लिवर के अंदर जब कोई वायरस आ जाए या कोई दवाई से लिवर में स्वेलिंग आ जाए तो शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, उसको जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस में पहले पेशेंट को कमजोरी फील होती है, भूख लगनी बंद होती है, यूरिन उसका पीला हो जाता है, फिर आंखें पीली हो जाती हैं, उल्टियां शुरू हो जाती हैं और बहुत कमजोरी होती है। ऐसे में आप लेबोरेटरी में जाएं, अपना एलएफटी नाम का टेस्ट कराएं और उससे पता लग जाएगा कि आपको जॉन्डिस है या नहीं है। सर काला पीलिया क्या होता है? इससे लोग बहुत डरते हैं। देखिए, काला पीलिया वायरस कई प्रकार के होते हैं। नॉर्मली जो पीलिया होता है वो हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई से होता है, मगर यदि पीलिया हेपेटाइटिस बी से हो या हेपेटाइटिस सी से हो तो उसको काला पीलिया कहते हैं, क्योंकि पहले इसका इलाज भी नहीं होता था और इससे 10% लोगों की लिवर जो है आगे जाकर खराब हो जाते हैं। अब काले पीलिया का बड़ा इजी और सटीक इलाज है जिससे ये पेशेंट्स भी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। सर जॉन्डिस डेंजरस या खतरनाक भी हो सकता है? जी हाँ, कुछ कंडीशंस में 1% 2% केसेस में जॉन्डिस खतरनाक हो सकता है। यदि जॉन्डिस के पेशेंट को बेहोशी आने लगे, यदि बहुत ज्यादा उल्टियां हो और खासकर उल्टियों में ब्लड हो, यदि शरीर के किसी और हिस्से से ब्लीडिंग आने लग जाए, यदि प्रेगनेंसी में जॉन्डिस हो, यदि बहुत बुजुर्ग को जॉन्डिस हो, यदि अल्ट्रासाउंड ये बताए कि आपके अंदर कोई पथरी है या कैंसर है और उसके कारण पीलिया है, तो ये सब सिचुएशंस है जहां आपको बहुत अच्छे इलाज की जरूरत है और लाइफ का डेंजर भी हो सकता है। सर जॉन्डिस से कैसे बचे और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? जो हेपेटाइटिस बी या सी है, ये हमें एक दूसरे से लगता है गंदे सिरिंज के थ्रू या इंफेक्टेड ब्लड के थ्रू या सेक्सुअल ट्रांसमिशन से। तो इन चीजों से हमें ध्यान देना है कि ब्लड जो है हम हमेशा किसी अच्छे ब्लड बैंक से ही लें। जो सिंपल जॉन्डिस है वो एक आदमी से दूसरे को फीको ओरल रूट, यानी कि जो आदमी को जॉन्डिस है उसके मोशन में, उसकी लेटरिन में वायरस निकल रहा है, तो जिसको भी जॉन्डिस है उसको अपने हाइजीन का ध्यान देना है, अपने हैंड वॉश अच्छी तरह से करने हैं और घर में जितने भी और लोग हैं सबने प्रॉपर आरओ का या फिल्टर्ड पानी या बॉइल्ड पानी पीना है और अपने हैंड वॉशिंग का, नहाने का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं है। कुछ लोग झाड़ा कराते हैं या देसी दवाई लेते हैं या गले में माला पहनते हैं, ये सब देसी नुस्खे हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी पेशेंट्स अपने आप से ही ठीक हो जाते हैं और ये कहा जाता है कि झाड़े से ठीक हो गया है। जॉन्डिस के टाइम अच्छी खुराक लें, बिल्कुल ये आवश्यक नहीं है कि आप तली हुई चीजें ना खाएं या आप पीली चीजें ना खाएं, ये भी अंधविश्वास है। तो सिंपल खाना कुछ भी खा सकते हैं, रेस्ट करें, सिंपल दवाइयां बुखार की और वॉमिटिंग की आप लेंगे तो इसी से ही मोस्टली पेशेंट्स को एक हफ्ते के अंदर अंदर जॉन्डिस ठीक हो जाता है। थैंक यू।